सोलर सिस्टम में सन से चौथा प्लेनेट मार्स, जिसके रेडिश अपीयरेंस की वजह से उसे रेड प्लेनेट के नाम से भी डिस्क्राइब किया जाता है। यूं तो हमने मार्स पर कई ऑर्बिटर्स भेजे हैं, उनमें से कुछ आज भी ऑपरेबल कंडीशन में हैं। उन ऑर्बिटर्स से मार्स को स्टडी करने के दौरान हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिली जो ये बताने में जरा भी नहीं हिचकिचाती कि किसी समय पर मार्स भी अर्थ जैसे ही एक हैबिटेबल प्लेनेट हुआ करता था, जिसमें पेड़ पौधे और जल मौजूद था, जिसका प्रमाण मार्स के सरफेस पर मौजूद इन रिवर्स के निशान हैं। मार्स की हिस्ट्री और उसके सरफेस पर मौजूद मिनरल्स और उसके एटमॉस्फेयर को अच्छे से जानने के लिए नासा ने मार्स पर कई रोवर भेजे हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं में से 3 ऐसे रोवर्स और उनके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल साइफ्लाई फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। 10 जून 2003, AMEA-2 रोबोटिक मार्स रोवर को लॉन्च किया गया, जिसका नाम था स्पिरिट, जो सोलर पावर्ड 6-व्हील्ड रोवर था, जो 4.9 फीट × 7.5 फीट चौड़ा और 5.2 फीट ऊंचा था, और जिसके हर व्हील की अपनी अलग मोटर थी जो कि फ्रंट और रियर दोनों साइड स्टीयर हो सकती थी। रोवर की मैक्स स्पीड 2 इंच प्रति सेकंड थी, यानी 0.18 किलोमीटर प्रति घंटा। और तो और इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के फॉलन मेटल पीसेस भी थे, जिनसे प्रोटेक्शन शील्ड्स और ड्रिलिंग मैकेनिज्म को बनाया गया था। स्पिरिट के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में 20 मेगाहर्ट्ज़ RAD-600 CPU का यूज किया गया था, जिसमें 128 MB की DRAM और 3 MB की EEP ROM के साथ 256 MB की फ्लैश मेमोरी थी। रोवर का अर्थ से कम्युनिकेशन ओमनीडायरेक्शनल लो गेन एंटीना पर डिपेंड करता था, जो कि लो डेटा रेट और स्टीयरेबल हाई गेन एंटीना के जरिए अर्थ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता था। इसके अलावा रोवर में पैनोरामिक कैमरास थे, जो मार्शियन सरफेस के टेक्सचर, कलर, मिनरोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ लोकल टेरेन को अच्छी तरह से कैप्चर करने में सक्षम था। और उसी के साथ नेविगेशन कैमरास, जो कि ड्राइविंग नेविगेशन में मदद रूप थे, और मिनिएचर थर्मल मिशन स्पेक्ट्रोमीटर भी था, जो रॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनका क्लोजर एग्जामिनेशन करने में सक्षम था। 4 जनवरी 2004, ग्राउंड UTC के अनुसार 4:35 पे एयरबैग प्रोटेक्टेड लैंडिंग के जरिए क्राफ्ट ने मार्शियन सरफेस पर गुसेव क्रेटर पर लैंड किया। और लैंडिंग करते ही रोवर ने सेटल होकर अपने लैंडिंग साइट व्यू से एक पैनोरामिक इमेज कैप्चर किया और नासा को रोलिंग मार्शियन सरफेस का यह अद्भुत इमेज दिया। डेटा ट्रांसफर की अगर बात करें तो अर्थ और रोवर के कम्युनिकेशन का माध्यम रेडियो ट्रांसमिशन होता है, लेकिन उससे डेटा ट्रांसफर की एक लिमिट तय होती है, यानी उस लिमिट से ज्यादा डेटा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन थैंकफुली मार्स के ऑर्बिट में नासा द्वारा भेजे गए कई ऑर्बिटर्स हैं, जिसकी मदद से ज्यादा मात्रा में डेटा ट्रांसफर पॉसिबल हुआ। और रोवर से हम तक आए डेटा की अगर बात करें तो रोवर के पैनोरामा से खींची हर इमेज ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है, और फिर 13 रोटेटिंग व्हील्स उस सेम सीन के अलग अलग वेवलेंथ में मल्टीपल इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, और फिर उन सबको कंबाइन करके एक फेयरली एक्यूरेट कलर इमेज रेडी होता है, बिल्कुल वैसा जैसा हम सब देखते हैं। और अगर रोवर को ड्राइव करने की बात करें तो रोवर में एक रोवर कंप्यूट एलिमेंट होता है, जो रोवर की हर चीज को कंट्रोल करता है।
जो कि रेडिएशन रेजिस्टेंट मटेरियल से बना होता है, ताकि कई हार्मफुल रेडिएशंस कंप्यूटिंग सिस्टम को डैमेज ना कर सके। नासा के ड्राइवर्स रोवर को एक रात पहले ही ये कंप्यूटर कमांड्स भेज देते हैं कि अगले दिन कहां और कैसे ट्रैवल करना है। रोवर की जर्नी रोवर के सामने मौजूद सरफेस पर डिपेंड करती है। कभी सरफेस एकदम स्मूथ होती है तो कभी रॉक्स और डस्ट से खुरदुरी। सरफेस के अनुसार ड्राइवर्स द्वारा रोवर को कुछ स्पेसिफिक कमांड्स दिए जाते हैं, जैसे कि मूव फॉरवर्ड 5 मीटर्स एंड देन टर्न राइट 90 डिग्री। और अगर सरफेस बिल्कुल सेफ है तो ड्राइवर्स सब कुछ रोवर पर ही छोड़ देते हैं और रोवर अपने 2 कैमरास की मदद से रॉक्स का एक 3D व्यू बनाता है और उसमें डेंजर जोन्स मैप करके जो रास्ता सेफ है वहां से चलने लगता है। स्पिरिट ने मार्स पर 2695 डेज गुजारे, यानी कि 2623 सोल्स। एक सोल यानी कि मार्स का एक दिन, जिसमें 24 आवर्स 39 मिनट्स और 35.24 सेकंड्स होते हैं। अर्थ के 2695 डेज के मुकाबले मार्स पर 2623 सोल्स होते हैं। और इस समय स्पिरिट ने अपनी लैंडिंग साइट कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन से लेकर होम प्लेट तक 7.73 किलोमीटर्स का सफर किया। हालांकि प्लैंड मिशन 92 अर्थ डेज तक का ही था, लेकिन अपने लैंडिंग के 2269 अर्थ डेज तक भी स्पिरिट को अच्छे से ऑपरेट किया गया। और 2695 अर्थ डेज के बाद 25 मई 2011 को ऑफिशियल मिशन एंड डिक्लेयर कर दिया गया। अपने इस सफर में स्पिरिट ने हमें कई जानकारियां दी, जैसे कि गुसेव क्रेटर्स के प्लेन्स पर मौजूद रॉक्स पर ऑलिवाइन, पेरोक्सीन, प्लेयोक्लेस और मैग्नेटाइट का होना, जिससे यह पता चल पाया कि वहां पर किसी समय में वॉल्केनिक ब्लास्ट हुआ था। और कोलंबिया हिल्स पर मौजूद कुछ रॉक्स ये भी बता रहे थे कि वहां पर किसी समय में वाटर भी मौजूद था। मार्शियन डस्ट को स्टडी करने पर यह पता चला कि वहां की डस्ट मैग्नेटिक थी, जिसका कारण मैग्नेटाइट था, जिसमें कुछ मात्रा में टाइटेनियम भी मौजूद था। हालांकि स्पिरिट ने अपने इस सफर में कई सारी चुनौतियां और कठिनाइयों का सामना भी किया, फिर चाहे वो हस्बैंड हिल्स जैसे पहाड़ों पर चढ़ना हो, डस्ट डेविल्स यानी कि मार्स के साइक्लोन से बचना हो, या फिर मैककुल हिल्स के खुरदुरे पत्थरों वाले रास्तों से गुजरना हो। लेकिन इन सबसे कठिन चुनौती का सामना स्पिरिट को 1 मई 2009 को करना पड़ा था, जब रोवर का लेफ्ट फ्रंट व्हील मार्स की मिट्टी में धंस गया था। बिल्कुल आम से दिखने वाली मिट्टी, लेकिन उसके अंदर मौजूद आयरन सल्फेट ने मिट्टी में फंसे व्हील को और जकड़ लिया था। इस कठिनाई से निकलने के लिए JPL टीम ने अर्थ में एक सेटअप बनाया, बिल्कुल वैसा जैसा मार्स में सिचुएशन थी, और सिमुलेशन के जरिए हर उस तरकीब को आजमाने की कोशिश की गई जिससे स्पिरिट को आगे ले जाया जा सके। कई तरकीब आजमाने के बावजूद भी कुछ ना हो पाया, और देखते ही देखते स्पिरिट का राइट फ्रंट व्हील भी धीरे धीरे अब मिट्टी में धंसने लगा था, जिससे स्पिरिट अच्छी तरह से टिल्ट होकर सोलर पैनल्स के थ्रू एनर्जी लेने पर भी नाकामयाब होता रहा। और अब स्पिरिट को अपनी मौजूदा बैटरीज की पावर से ही काम चलाना था। धीरे धीरे सोलर पैनल्स के थ्रू पावर सप्लाई बंद होने की वजह से बैटरीज एनर्जी खोने लगी थी, और मार्च 22, 2010 स्पिरिट के 2208वें मार्शियन डे को रोवर से लास्ट कम्युनिकेशन होता है। और 25 मई 2011 को स्पिरिट मिशन को ऑफिशियली एंड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर मार्स पर एक और रोवर अभी भी मौजूद था, जो कि बिल्कुल ऑपरेबल कंडीशन में था। अपॉर्चुनिटी को स्पिरिट के लॉन्च के कुछ महीने बाद ही लॉन्च किया गया था।
और स्पिरिट के मार्शियन सरफेस पर लैंडिंग करने के बिल्कुल 21 दिनों बाद अपॉर्चुनिटी ने मार्स पर लैंड किया था। अपॉर्चुनिटी रोवर को बिल्कुल स्पिरिट जैसा ही बनाया गया था। दोनों रोवर्स के हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स सभी सेम थे। ये भी कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट दोनों ट्विन्स रोवर्स थे। 25 जनवरी 2004 सक्सेसफुली मार्शियन सरफेस पर लैंडिंग के कुछ समय बाद ही अपॉर्चुनिटी ने अपने लैंडिंग साइट के पैनोरामिक्स फोटो लिए और नासा साइंटिस्ट तक पहुंचाए। और उसी के साथ अपॉर्चुनिटी ने अपने पास के सरफेस पर रॉक सैंपल्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जिन सैंपल्स से नासा साइंटिस्ट ने मार्शियन सरफेस पर हेमिटाइट और वाटर के प्रेजेंस के बारे में हाइपोथेसिस बनाए। अपॉर्चुनिटी को 90 सोल्स यानी कि 90 मार्शियन दिनों तक काम करने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन अपॉर्चुनिटी 5,552 सोल्स यानी कि अर्थ के 5,498 डेज तक ऑपरेबल कंडीशन में था। अपॉर्चुनिटी ने हीट शील्ड रॉक्स यानी मार्स पर गिरे मीटियोराइट का पहला इमेज दिया और इसी के साथ एर्बस क्रेटर, विक्टोरिया क्रेटर और एंडेवर क्रेटर को अच्छे से इंस्पेक्ट करके मार्शियन सरफेस की अद्भुत तस्वीरें दी। इस बीच अपॉर्चुनिटी को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि मार्शियन सॉइल में फंस जाना हो, मार्शियन वेदर के गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडे तापमान को सहना हो, या फिर मार्स में हो रहे तूफानों का सामना करके भी डटे रहना हो। स्पिरिट के कॉन्टैक्ट लॉस होने के 7 साल बाद तक भी अपॉर्चुनिटी एकदम सही सलामत और काम करने के लायक था। जून 2018 अपॉर्चुनिटी को मार्स में रिसर्च करते करते 14 साल बीत चुके थे। धीरे धीरे बैटरीज कमजोर पड़ रही थी और आवश्यक मात्रा में पावर नहीं जनरेट हो पा रहा था, और उसी दौरान एक लार्ज प्लेनेटरी स्केल डस्ट स्टॉर्म डेवलप होता है और एक बहुत ही तेज और भयानक तूफान रोवर के रास्ते से होकर गुजरता है और इससे रोवर के सोलर पैनल्स पूरी तरह डस्ट से कवर हो जाते हैं और धीरे धीरे पावर जनरेशन बिल्कुल कमजोर होता जाता है और नासा से इसका कनेक्शन भी लो होता जाता है। और 10 जून 2018 को नासा से अपॉर्चुनिटी का कॉन्टैक्ट लॉस हो जाता है। इस दौरान जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने रोवर से कांटेक्ट जोड़ने की कई कोशिशें की, इस उम्मीद में कि शायद रोवर का रेडियो रिसीवर खराब हो गया हो और किसी दूसरी तरह उस तक कोई कमांड पहुंचाया जा सके। कैलिफोर्निया में स्थित कोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स के 70 मीटर डिश के थ्रू हजारों कमांड्स रोवर तक पहुंचाए गए, लेकिन सभी कमांड्स जैसे कि मार्स की उस लाल मिट्टी पर कहीं खोकर बिखर रहे थे। कुल 1835 रिकवरी कमांड्स के बाद आखिरकार फरवरी 13, 2019 को ऑफिशियली नासा ने अपॉर्चुनिटी रोवर के मिशन को ऑफिशियली एंड डिक्लेयर कर दिया। अपने कॉन्टैक्ट लॉस होने के कुछ समय पहले ही अपॉर्चुनिटी ने नासा को एक बहुत ही इमोशनल तरीके से गुडबाय किया था। अपॉर्चुनिटी ने अपने आखिरी मैसेज में यह कहा था कि माई बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क, यानी मेरी बैटरी लो हो रही है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। और बस इस मैसेज के आने के कुछ समय बाद ही नासा का रोवर से हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। हालांकि रोवर से संपर्क भले ही टूट गया हो, पर नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन के प्रयास नहीं रुके थे। अपॉर्चुनिटी के अंत के बाद भी मार्स पर एक और रोवर अभी भी मौजूद था जो कि एकदम आधुनिक और रोबोटिक टेक्नोलॉजी से लैस था। क्यूरियोसिटी को 26
2011 को केप कनेवरल से लॉन्च किया गया था। क्यूरियोसिटी एक कार की साइज का रोवर था जिसमें टोटल 17 कैमरास थे, जैसे मास्ट कैम जो ट्रू कलर इमेजिंग सिस्टम था, केमिस्ट्री एंड कैमरा कॉम्प्लेक्स यानी कैम कैम जिसमें लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी करने की क्षमता थी, और वो रिमोट माइक्रो इमेजर RMI टेलीस्कोप के रूप में भी यूजेबल था। कैमकैम के पास 6144 अल्ट्रा वायलेटेड विजिबल और इंफ्रारेड लाइट्स के वेवलेंथ को रिकॉर्ड करने की एबिलिटी थी, और उसी के साथ रोवर में नेविगेशन कैमरास, रोवर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग स्टेशंस, हजार्ड अवॉइडेंस कैमरास, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और केमिस्ट्री एंड मिनरोलॉजी यानी KMN स्पेक्ट्रोमीटर भी था, जो मार्स के सरफेस पर मौजूद हर एक मिनरल का पता लगाने में सक्षम था। और उसी के साथ रोवर को एक लॉन्ग आर्म दिया गया था जिसमें माइक्रोस्कोप और एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हैं, जिससे रोवर किसी भी चीज का एक क्लोजर लुक ले सकता है। रोवर में एक सैंपल एनालिसिस सिस्टम है जिसका नाम सैम है, यानी सैंपल एनालिसिस एट मार्स। सैम के पास एटमॉस्फेरिक और ऑर्गेनिक दोनों सैंपल्स की ऑर्गेनिक और गैसियस इंफॉर्मेशन एनालाइज करने की एबिलिटी है। दरअसल रोवर में एक ड्रिल सिस्टम है जो किसी भी चीज पर ड्रिल करके किसी भी चीज को, किसी भी सॉलिड रॉक को पाउडर में बदल सकती है। और फिर उन सैंपल्स को सैम इंस्पेक्ट करके उनकी इंफॉर्मेशन नासा तक पहुंचाता है। और उसी के साथ रोवर में मौजूद RAD रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर्स, DAN डायनामिक एल्बेडो ऑफ न्यूट्रॉन्स और MARDI मार्स डेसेंट इमेजर इसे सबसे आधुनिक बनाते हैं। 6 अगस्त 2012 को क्यूरियोसिटी ने रॉकेट पावर्ड स्काई क्रेन के जरिए मार्स पर लैंड किया। और बाकी मिशंस के जैसे अपने लैंडिंग साइट की इंफॉर्मेशन नासा तक पहुंचाए। लैंडिंग के बाद आज तक क्यूरियोसिटी एकदम ऑपरेबल कंडीशन में है। लैंडिंग से 7 सालों में क्यूरियोसिटी ने मार्स पर 22.97 किलोमीटर का सफर किया है। क्यूरियोसिटी ने मार्स पर मौजूद माउंट शार्प की अद्भुत तस्वीरें नासा तक पहुंचाई, और इसी के साथ क्यूरियोसिटी ने रॉक नेस्ट ग्लेन टोरिडॉन और मार्स के सूर्यास्त की अद्भुत तस्वीरें हमें दी। क्यूरियोसिटी से हमने मार्स में हो रहे रेडिएशन के बारे में अच्छे से स्टडी किया, ताकि रेडिएशन की हर इंफॉर्मेशन फ्यूचर में होने वाले मैंड मार्स मिशंस पर यूज हो सके। और मार्स पर मिली एंशिएंट स्ट्रीम्ड हमें ये बताती है कि किसी समय पर मार्स की इन चट्टानों पर वाटर फ्लो हुआ करता था, और ये भी पॉसिबल है कि कई नदियां यहां से गुजरती हो। और क्यूरियोसिटी द्वारा इंस्पेक्ट हुए क्लेन रॉक पर हमें मिले सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और कार्बन इस बात की पुष्टि देते हैं कि मार्स के पास भी कभी एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट हुआ करता था, कभी मार्स पर भी जीवन मौजूद था। ये सभी डिस्कवरीज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अगर अतीत में कभी मार्स पर जीवन मौजूद था, तो ये भी पॉसिबल है कि आने वाले कल में भी कभी मंगल पर जीवन पनप सके। नेचुरली ना ही सही, पर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से शायद पॉसिबल हो सके। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ जानकारी अब तक पहुंची हो। इस वीडियो का तात्पर्य मार्स के रोवर स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी के हार्डवेयर मैकेनिज्म और उनकी कुछ डिस्कवरीज की जानकारी आप तक पहुंचाना था।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमने मून के बर्थ और रिवोल्यूशन पर भी एक वीडियो बनाया है जो आपको जरूर पसंद आएगा, जिसमें मून एक्सप्लोरेशन पर हुए सभी मिशंस के साथ मून के बर्थ और रिवोल्यूशन को भी अच्छे से समझाया गया है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल साइफ्लाई को सब्सक्राइब जरूर करें।